Hi everyone and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all guys are doing well. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you get notification every time when I upload any new video. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि प्लीज मैं बताएं कि हम अपना वेट लॉस कैसे करें तो yes, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको एक चीज़ सीक्रेट बताने वाली हूँ कि मैं बिल्कुल भी पहले ऐसी नहीं थी आई वॉज वेरी ओबीज़ वैन आई वैन आई वॉज इन क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करती थी तो मैंने अपनी ये फाइव टिप्स यूज़ करके मैंने अपना वेट लॉस किया है और मैं वो फाइव टिप्स आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ लेट मी शो यू माई पिक्चर तो ये मेरी पिक्चर है वेन आई वॉज इन आ, क्लास एलेवेंथ टेंथ और एलेवेंथ मैं इतनी हेल्दी थी और अभी मैं ऐसी हूँ तो आप अगर चाहते हैं कि अपना वेट लॉस सच में आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और सारी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक करें सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो मेरी पहली टिप है आप सबके लिए कि यू हैव टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड यू ईट यस तो आपको अगर आप मैं एक सिंपल आपको तरीका बताती हूँ जैसे कि आप अगर दिन भर में आप दो रोट आप लंच में दो रोटी खाते हैं ठीक है आपकी बॉडी इस चीज़ की यूज कि आप दो रोटी हमेशा हमेशा खाते हैं तो अब दो की जगह आप डेढ़ रोटी खाना शुरू की करिए आप अगर बिगिनर हैं तो आपको दो से डेढ़ रोटी पे आना है ठीक है डेढ़ रोटी आप खाएंगे तो क्या होता है जैसे आपकी बॉडी को फि, फिफ्टीन हंड्रेड कैलोरीज अगर आपको आपकी बॉडी को चाहिए तो उन फिफ्टीन अगर आप थाउजेंड कैलोरी अपनी लेंगे तो फाइव हंड्रेड कैलोरीज़ आपकी बॉडी क्या करेगी जो आपका स्टोर है फैट ऑलरेडी आपकी बॉडी में वहाँ से 500 हंड्रेड कैलोरी वो अब्जॉर्ब कर लेगी तो इस तरह अगर आप डेली करेंगे तो आपका धीरे 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 धीरे, धीरे फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा आपके बॉडी में स्टोर हुआ सारा फैट तो वो सारा धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएगा और आपको एक स्लिम बॉडी देने में आपकी हेल्प करेगा तो अगर और जब भी आप खाना खाएं आपको बहुत भूख लगी हो तो आप खाना खाने के पंद्रह मिनट पहले एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल पानी पी सकते हैं या फिर गुनगुना पानी एक गिलास पी लें ताकि आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो क्या करते हैं आप जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं और खाने की खाने में आप इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि आपको कितना अमाउंट में खाना है और एक चीज़ और है जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपकी आप जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका आपका पेट जो आपके ब्रेन तक जो सिग्नल देता है कि येस आर्म फुल तो उस प्रोसेस को 20 मिनट लेता है तो जब भी आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं आप आपका आप खाते चले जाते हैं तो बॉडी जब तब तक आपकी जब तक आपका पेट आपके माइंड को सिग्नल देता है कि येस यू शुड स्टॉप ईटिंग तब तक आप बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं इस तरीके से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे चबा खूब चबा खाना है और धीरे धीरे खाना है जिससे आपकी बॉडी राइट टाइम पे अपने ब्रेन को सिग्नल दे सके कि यस यू शुड स्टॉप ईटिंग तो ये थी मेरी टिप नंबर वन तो बढ़ते हैं मेरे सेकेंड टिप की तरफ तो मेरा सेकेंड टिप है कि आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है यस yes. अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे वाइट सॉल्ट आपको स्किप करना है बिल्कुल भी नहीं खाना है और आपको रिफाइंड शुगर नहीं खाना है आपको कोई भी रिफाइंड uh, ऑयल नहीं खाना है यस सनफ्लावर ऑयल जो कि रिफाइंड होता है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी तो ये आपके वेट लॉस में इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको स्किप करना है इसकी जगह पे मैं अल्टरनेट बताने वाली हूँ अल्टरनेटिव्स कि आपको क्या क्या खाना है तो आप शुगर की जगह आप चीनी का इस्तेमाल चीनी का इस्तेमाल नहीं करना आपको शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करिए या फिर हनी का इस्तेमाल करिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी जगह अगर आप सॉल्ट खाते हैं तो आपको सी सॉल्ट लेना यस से आपने फास्ट में आप सीधा नमक ज़रूर खाते होंगे तो उसको आप हमेशा खाएं। अगर आप सच में अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो वेट मैनेजमेंट के लिए आपको आ, सी सॉल्ट लेना है और रिफ़ाइंड ऑयल की जगह आपको नॉर्मल सरसों का तेल लेना है या फिर घी का इस्तेमाल करिए आप और या फिर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप तुरंत फ़र्क देखना शुरू करेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होने लगा है आप बहुत आपका वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है आप वेट को अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं तो ये था मैं मे, और मेरा सेकेंड टिप तो इसमें आपको जो भी कितने भी बंद पैकेट में जो भी आपके चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं इन सब चीज़ों को भी आपको कट डाउन करना है एक बार आपका वेट आ, सही ट्रैक पे आ जाए उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इसको खा सकते हैं जैसे आपने चिप्स खोला चिप्स में थोड़े से दो चार चिप्स आपने निकाल लिए ताकि आपको पता रहे आपके माइंड को भी सिग्नल मिले कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा खाया है अगर आप बहुत पैकेट ही खाएंगे पैकेट में ही खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खाया है इस वजह से आपके बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है तो ये था मेरा सेकेंड सेकेंड टिप प्लीज इसको अप्लाई करें आप देख सकते हैं जल्दी से डिफरेंस तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ तो हमारा थर्ड टिप है कि आपको बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है यस yes? तो बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं वो खूब सारा कॉफ़ी पीते हैं खूब चाय पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं बाहर निकलते हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको कट डाउन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कैफ़ीन आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और आपको चाय कॉफ़ी की वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से आपका वेट लॉस मैनेजमेंट बहुत स्लो हो जाता है आपके और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप लेते हैं एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं खूब मीठी चाय पीते हैं मीठी कॉफ़ी पीते हैं उन सारी चीज़ों को प्लीज़ कट डाउन करिए ये सारे आपके बॉडी में फैट बहुत सारा बना देते हैं जिससे आप बहुत हेल्दी और बहुत मोटे हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस कैफ़ीन और चाय कॉफ़ी बंद करनी पड़ेगी इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ग्रीन टी यस ग्रीन टी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके वेट लॉस में भी आपकी मदद करती है तो आप चाय कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी ले सकते हैं तो ये था मेरा टिप नंबर थ्री सो so, मेरा टिप नंबर फोर है कि आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रियट्स खाने हैं यस विटाम्स एंड मिनरल्स तो बहुत सारे लोग बस चौमीन मैगी फास्ट फूड यही सब खा लेते हैं जिससे आपकी बॉडी बॉडी में कोई भी माइक्रो न्यूट्रियट्स पहुँच ही नहीं पाता है आप कोई भी सैला सैलेड नहीं खाते हैं आप सब्जियां नहीं खाते हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए तो आप हरी सब्जी खूब सारा खाएं और पत्ते वाली सब्ज़ी खाएं पत्ते वाली सब्जियों में आप बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पा सकते हैं और आपको अगर सीरियसली वेट लॉस करना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी यस और कैल्शियम आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप डेली एक ग्लास दूध पिए दूध की मलाई हटा के आप नॉर्मल मार्केट में तो अब तो बहुत सारी तो आते हैं स्किम्ड मिल्क यस टोन मिल्क जिसे हम बोलते हैं आप उसको एक ग्लास पी सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए या आप इन सारी चीज़ों से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत पतले होते हैं और खूब सारा खाते हैं तब भी वो मोटे नहीं होते यस yes, ये ये उनको गॉड गिफ्ट मिला होता है एक मेटाबॉलिक रेट हाई मेटाबॉलिक रेट जिससे वो जो भी खाते हैं वो जल्दी जल्दी बॉडी में बर्न हो जाता है और वो फैट के रूप में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है बॉडी में तो अगर आप मेरी तरह जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है तो उनको ये सारी चीज़ें खानी हैं ताकि वो पतले हो सकें अपने मेटाबॉलिक रेट को मैनेजमेंट मैनेज uh, करना है जिससे उनके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ऑलरेडी फैट स्टोर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे और वो अपनी सही आ, सही वेट मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएँ और वो अपने बॉडी वेट को अचीव कर सके जितना जितना उनको बॉडी वेट चाहिए तो आपको एक आ, आपकी एक, एक, एक किसी भी पर्सन की एक हाइट होती है सर्टेन तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आप चाहें तो अपने हेल्थ कंसल्टेंट से क्लियर कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट वेट कितना होना चाहिए तो एक बार आपका वेट मैनेज हो जाए जितना आपकी बॉडी आपकी की हाइट के हाइट के अनुसार आपका ठीक है वेट उतना वेट हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे चाहें तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड चीज़ें भी खा सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है सो so, मेरा टिप नंबर फाइव है कि आपको करनी है एक्सरसाइज येस yes, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा तो मैं नॉर्मली कोई भी आपको कोई भी आपको जिम जाने के लिए नहीं बोलूंगी कि क्योंकि आपको अगर है तो आपको बिल्कुल भी जिम जॉइन नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करने से एलिप्टिकल्स करने से आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके घुटने आपके पैरों में बहुत दर्द होता है इस वजह से अगर आपका वेट एक बार आपका वेट नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप घर पर वर्कआउट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जिम भी जा सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं तो वर्कआउट में मैं आपको बोलूँगी कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है ब्रिस्क वॉक की येस आपको डेली वॉक करना है पहले आप 15 मिनट से शुरू करिए दो तीन दिन 15 मिनट तक करिए फिर आप 25 मिनट पे आइए आधा घंटा फिर धीरे धीरे आपको एक घंटे पे आना है एक घंटा ब्रिस्क वॉक आपको डेली करना है तो मैंने जब अपना वेट लॉस शुरू किया था तब मैं स्कूल टाइम पर थी तो जो मुझे मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती थी रात को देर तक पड़ती थी तो फिर मॉर्निंग में उठना तो पॉसिबल नहीं होता था तो मुझे मैं क्या करती थी मुझे जब टाइम मिलता था मैं तब वॉक करती थी आप जब टाइम मिला आपको शाम को मिला आपने एक घंटा वॉक कर लिया सुबह मिला तो आपने एक आपको पूरे दिन में सिर्फ एक घंटा हर ट्वेंटी फोर आवर्स में आपको एक घंटा वॉक करना है और Uh, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप टाइम अपना लिमिट बढ़ा सकते हैं बट एक घंटे पे आपको आके स्टिक हो जाना है और आपका ये ये सारी पांच टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं और जब भी आप खूब सारा जब भी हमारे घर में कोई केक बनता है या फिर किसी की बर्थडे पार्टी होती है फिर कुछ अच्छा बना होता है तो हम उसको खूब सारा खा लेते हैं तो मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ इसे आप मेरी बोनस टिप समझ लीजिए कि आप जब भी अपने मुँह में कुछ अनहेल्दी डालें ना तो आप बस उसको टेस्ट कर लें क्योंकि आप उसको पेट भर के खाने लगते हैं आप अपनी आप सोचिए कि आप पेट भर के इसको खाएंगे आप अगर आप टेस्ट ही लेना चाहते इसको थोड़ा से लीजिए थोड़ी देर मुँह में रखिए ताकि उसका टेस्ट पूरा घुल जाए आपके मुँह में और आपको टेस्ट भी मिल जाए और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अनहेल्दी फैट बिल्कुल भी ना जाए जिससे आप स्लिम ट्रिम रह सकें तो मैं क्या करती हूँ मैं जब भी खा जब भी मैं आप छोड़ सोचती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस स्किप कर दूँ हटाऊँ और खाऊँ अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो मैं एक चीज़ याद करती हूँ कि मैंने यहाँ तक इसे कंटिन्यू क्यों किया था अगर आप भी ये सोच लेंगे कोई भी कोई भी गोल आप अगर स्किप करते हैं अगर आप उसको सोचते हैं छोड़ो इस गोल को तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ तक आए क्यों थे इसकी अगर जब आप ये सोच लेंगे ना तो आप उस गोल को कंटिन्यू कर पाएंगे और एक बहुत अच्छे अपनी सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे तो अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये मेरी सिंपल पांच टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोज़ देखनी है मैं बहुत जल्दी एक नॉर्मल आपकी फैट बेली फैट के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ उस वीडियो में सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिसे आप बैठ के घर बैठे भी कर सकते हैं वो सारी एक्सरसाइजेस से आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम और गुड लुकिंग हो जाएंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए आप सब मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बहुत सारे लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें सारे वीडियोस को देखें और सबको शेयर करें ताकि सबका सबका भला हो सके और आपको भी सब लोग थैंक यू ऐसे ही बोलें और मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद बाय टेक केयर